अभी उसी पे हम इवेल्युएट करेंगे। मैं इसको फिर बोलूंगा सब दिख जाए। क्या कह रहा है, कैसे गाइस को सब दिख जाएगा? गाइस बाद में बात करेंगे नीचे से। गाइस हो सबका मैं ही करूं यार। मान तो गाइस हो गया हमारा खेलने का टाइम और हमारे पास कॉल भी आ गया कि दीदी आ जाओ खेल लो, वरना मैं चल जाऊंगा। मुझे धमकी मिल गई है इस बार तो कि आप जल्दी से आ जाओ। मैं कुछ अपना कॉलेज का काम कर रही थी, असाइनमेंट कर रही थी एक, तो वो बीच में छोड़ के चले जाते, कोई बात नहीं। क्योंकि अब हम जैसे सिंगल्स खेल रहे हैं, दो कल खेले थे सिंगल्स, आज भी जहाँ तक हम सिंगल्स ही खेलेंगे तो अराउंड आधे पौन घंटे में थक जाते हैं, तो कम टाइम तक ही खेल पाते हैं। तो कोई बात नहीं, जल्दी चले जाते फिर आगे करते हैं असाइनमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, खेलने जा रहे हैं। ठीक है, बाय गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज फिर से हालत हो गई खस्ता, क्योंकि हम दोबारा ही सिंगल्स खेल रहे हैं। एक मैच खेला है, पहला वो जीता, दूसरा मैं। अब देखते हैं कौन जीता है लास्ट वाला मैच, और भी खेलेंगे पर अभी उसी पे हम इवेल्युएट करेंगे। मैं इसको फिर बोलूँगा धुंध हो रही है, मना कर देगा तो मैं पूछूँगी नहीं बारिश कि धुंध हो रही है क्या। नोएडा में हो रही है। नोएडा में तुझे कैसे पता? आज गया था मैं सुबह। तू क्यों गया था नोएडा? 6 बजे। अच्छा, बहन को छोड़ने गया था, जो आपने कल व्लॉग में देखा होगा ना, जिस लड़की ने मेकअप कर रखा था उसकी बहन थी। बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लगता है कि हाफ बाजू की अगर हम टी शर्ट भी पहनाएंगे ना तो मुझे लग रहा है तब भी हम एक मैच के बाद ऐसा लगेगा गर्मी गर्मी। नहीं तुझे लग रहा कि अगर हम हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहने तो फिर भी हमें नहीं लगेगी ठंडे एक मैच के बाद? हाँ, पर मज़ा आ रहा है यार, ये रूटीन बन जाए ना मज़ा आ जाएगा। छच्ची में बहुत, मैं तो बहुत मोटी हो गई थी यार, बहुत मैंने 5-6 किलो वेट गेन कर लिया था। ठीक है, चलो खेलते हैं बैक टू गेम, मरना सारा मैं तो पानी फिर जाएगा। ठीक है, पसीने सूख जाएंगे ना, तो मिलते हैं। मतलब तो मेरी चुगली करके पापा 100 रुपये ले आएगा, पैसे आएंगे गाइस। बिजनेस बिजनेस बनिया है ना ये भी, सोचेगा बिजनेस के बारे में। This is business. Guys, हमने खेले 4 मैच, 3 मैच जीती, 2 मैच जीता। चीटिंग मत कर यार, देख मानव आज आपने पॉइंट बुला के आपने चीटिंग करी मेरे ज्यादा। गाइस छोड़ो, मैं इसके सामने डिस्कस ही नहीं करना चाहती ये चीज। रोमांटिक है, रोमांटिक कहते हैं ना जो मुझे वो विभोर वर्ड विभोर। मैं बताती हूँ गाइस, देखो नहीं, कल से पहले बहुत अच्छा खेल रहा था ये। ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहा था अच्छी भाई मेरे, मतलब ज्यादातर ये होता था कि अगर हम 5 मैच खेल रहे ना तो मुश्किल से एक जीत पाती थी। आई एम एक्सेप्टिंग दिस। ठीक है, पर लेकिन गाइस कल, गाइस कल हम 3 मैच खेले, 2 मैच में जीती, आज हम 4 मैच खेले, आज हम 4 खेले तो 3 मैं जीती हूँ। ये पहला ही जीता था बस, मैंने 3 लगातार जीते हैं। ठीक है गाइस, अब क्या बोलना मैं, चलो ठीक है बच्चा है। ठीक है गाइस, ये फिर साड़ी कितने साड़ी के फोल सा अटैच किया रे। पता मुझे क्या ताने मारते दीदी, आप मेरा तो नेट नहीं बंधवाती दीदी, मेरा नेट नहीं खुलवाती। अब भी देख रही हूं बंधवाती कौन सा बंधवाई हो। अरे यार मैं सोच रही हूँ कि तेरी क्या ही हेल्प करूँ यार, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्या ये क्या खोलूं ये यार, ये कैसे, रुक जाओ गाइस हम दिखाते हैं कैसे खोलते हैं। देखो गाइस ये है, इसे खींचता नहीं है, इसे ऐसे ना, इसको ऐसे खोलो। अरे दिख गया। अच्छा हमको सिखा रिया है क्या गाइस को यार, खोलो इसको ऐसे खोला। ठीक है, इसको ऐसे करा, फिर इसको ना इसमें देखो गाइस, ये आप देख पा रहे हो, मुझे आंखों में पसीने आ रहे हैं, सब दिख जाएगा सब दिख जाएगा। क्या कह रहा है, कैसे गाइस को सब दिख जाएगा? गाइस बाद में बात करेंगे नीचे से। गाइस हो सबका मैं ही करूं यार, बांधे एक तरफ से नहीं आपने, एक मैंने बांधा था यार, शायद कल बांधा था, मैं आज बांधू कल बांधू बात एक ही तो है यार। नहीं गाइस मैंने ब्लॉग में देखो दिखाया है कि मैं हेल्प कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहती हूँ बस, बैठी रहती हैं बैठी या फिर ब्लॉग बना देती हैं। एक दिन दिया था गाइस, वो मैं घर पे थी, वो कब की बात कर रहा है ये, मेरे सपने में हुआ था सपने। चलो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे। ठीक है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट करना, आज असाइनमेंट करते हैं फिर सबमिट करते हैं। ठीक है गाइस, घर जाने गाइस, गाइस वी आर गोइंग बैक टू आवर हाउस। और ये बंदा तो सीरियस हो गया ना, क्या हो गया तुझे, कौन सी दुविधा में हो आप? देख यहाँ क्या लिखा है खंबे पे, खंबे पे देख क्या लिखा है,
हाँ दो दिन करा ले अपना दिमाग साफ। दोनों वो आने वाले हैं कौन टेंथ के बोर्ड आने वाले प्री बोर्ड्स तो थोड़ी सी टेंशन ये टेंशन में अभी बहुत ज्यादा ये कुछ भी कर सकते हैं। SST क्या क्या इसमें तुम्हारा हिस्ट्री ज्योग्राफी इको भी तो आ गई हाँ चार हो गए पहले तीन सब्जेक्ट थे ना इको जुड़ती है ना शायद टेंथ में सब याद है मुझे SST में भी अच्छी इको जुड़ती है मतलब इको तो ऐड भी थी जो एट्थ के बाद एट्थ तक तो तीन सब्जेक्ट्स होते हैं ना SST में एट्थ तक तो कंबाइंड होते हैं तो सिर्फ कंबाइंड कंबाइंड होती है ना उसमें अलग अलग हो जाती है फिर अलग हो जाती है स्टैट्स भी तो होगी शायद अब स्टैट्स नहीं है नहीं वो नहीं है अगली बार अगर तू लेगा यप्स चले फिर मैं बताती तुझे मैं घर जाके ठीक है अभी भेज दूंगी बाय टाटा गुड नाइट चलो गाइस घर आ गया हाँ भेज दूंगी घर आ गया आधा घंटा खेले पर मजा आ गया तो गाइज आ गए थे खेल के अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे असाइनमेंट सबमिट करना है एक तो वो करके सबमिट कर देंगे स्कैन स्कैन करके सब कुछ सबमिट करना है वो करके सबमिट करते हैं ठीक है उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं बाकी ट्राई करूँगी जल्दी सो जाऊँ क्योंकि अब थोड़ा रूटीन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब जल्दी उठना पड़ेगा दोबारा कॉलेज जाना पड़ेगा ना 4 तारीख से पेपर आ रहे हैं ठीक है गाइज तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल आई होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तो बाय बाय गाइस मिलते हैं गुड नाइट टेक केयर।